हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्पायरो हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम का नोमनक्लेचर या कंपाउंड का नोमनक्लेचर। अब तक हम नोमनक्लेचर ही पढ़ रहे थे, सिंपल में पढ़ा, फिर हमने फ्यूज में पढ़ा। अब बात आ गई है किसकी, स्पायरो की। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए स्पायरो कंपाउंड क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे स्पायरो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। ठीक है जी, तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास स्पायरो कंपाउंड क्या होते हैं। तो हम इसे ध्यान रखना, ऐसी कोई दो रिंग जो किसी कॉमन एटम से फ्यूज हो, ऐसी कोई रिंग जो किसी कॉमन एटम से फ्यूज हो, उन रिंग्स को या उन कंपाउंड को बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? स्पायरो कंपाउंड। देखो जी, मैं लिख भी रखा है इसके बारे में, द कंपाउंड इन विच टू रिंग्स आर फ्यूज्ड एट ए कॉमन पॉइंट आर नोन एज क्या, स्पायरो कंपाउंड। एंड कॉमन एटम इज क्या, क्वार्टनरी इन नेचर। क्वार्टनरी का मतलब क्या, चार बॉन्ड बना रहा हो। ठीक है जी, आगे देखो, चार बॉन्ड बनाने का मतलब क्या, चार दो रिंग दो बॉन्ड एक रिंग से बना रखे हो और दो बॉन्ड किससे, एक रिंग से बना रखे हो। आगे देखो, द स्पायरो कंपाउंड में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्पायरो एटम। जितने ज़्यादा स्पायरो एटम होंगे उतनी क्या होंगी, क्या होंगे, स्पायरो कंपाउंड होंगे। देखो यहाँ अगर एक स्पायरो एटम है तो मोनोस्पायरो, दो स्पायरो एटम है तो डाई स्पायरो, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है जी, तो हम रूल डिस्कस करते हैं कि कैसे हम नेमिंग करते हैं स्पायरो कंपाउंड की या स्पायरो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, उनके रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल है, पहले रूल में लिख रखा है कि नेमिंग करने के लिए हम इसको फॉलो, इस सिक्वेंस को फॉलो करेंगे। नेमिंग करने के लिए अब किस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। इसमें भी प्रीफिक्स में भी हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स होता है और सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स तो किसको बताता है, जो सब्सिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, साइड ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको बताता है, और जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो बताता है कि मेरे पास रिंग साइक्लिक है, स्पायरो है, ब्रिज हेड है, उनको बताता है। ठीक है जी, तो इनको अलग लिख लो चाहिए, एक साथ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जी, जब भी आप स्पायरो हेटोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमनक्लेचर करोगे तो ये प्रीफिक्स आपको याद हो, ये इस सीक्वेंस में आप लोग चलोगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसको डिनोट करता है, साइड ग्रुप को। फिर क्या लगाओगे, स्पायरो। क्या लगाओगे, स्पायरो। फिर क्या लगाओगे, स्क्वेयर ब्रैकेट लगाओगे, एनक्लोज करोगे स्क्वेयर ब्रैकेट में, उसके अंदर लिखोगे एक्स और वाई। एक्स और वाई बता रहे हैं, एक्स तो बता रहा है किसको, स्मॉलर रिंग के अंदर कितने एटम हैं, किसको, कॉमन एटम को छोड़ के। देखो जी, यहाँ दो डिफरेंट रिंग हैं, ये 5 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है। छोटी वाली रिंग देखो कितने एटम है, 1, 2, 3 और 4, कॉमन एटम को छोड़ना है। तो यहाँ कितना लिखना था, 4। इसमें देखो जी कितने, 1, 2, 3, 4 और क्या, 5। यहाँ कितना लिखना था, 5। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले छोटी वाली का, फिर किसका, बड़ी वाली का। फिर वर्ड रूट का मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। प्राइम स्पिक्स का मतलब क्या, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। और सेकेंडरी स्पिक्स का मतलब क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। देखो जी, ये हमारे पास स्पायरो हाइड्रोकार्बन है और ये हमारे पास स्पायरो हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रो एटम आ गया ना, तो उसको बोलेंगे स्पायरो हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। जो हेट्रो एटम है वो भी किस में काउंट होंगे, प्रीफिक्स में काउंट होंगे, आगे जाके आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे। देखो देखना जी, एक साइड में लिख रखा है स्पायरो हाइड्रोकार्बन लिखा था वहां, और एक साइड है स्पायरो हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम है। स्पायरो हाइड्रोकार्बन और क्या, स्पायरो हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम है। देखो जी, उसकी नेमिंग करने के लिए अगर कार्बन कार्बन डबल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एल्केन लगाऊंगा। किसके लिए लगा रहा हूँ, एल्केन, एल्केन लगा रहा हूँ मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड उसके लिए। देखो स्पायरो एक्स वाई एल्केन, यहाँ लिखो स्पायरो एक्स वाई एल्केन, दोनों का सेम ही तो है, प्रीफिक्स में साथ में जोड़ूंगा उसका। देखो जी, एक्स नंबर, एक्स किसको डिनोट कर रहा है, एक्स नंबर ऑफ एटम अदर देन स्पायरो एटम। ये कह रहे हैं नंबर ऑफ एटम अदर देन स्पायरो एटम इन स्मॉलर रिंग, किसको छोड़ के, स्पायरो एटम को छोड़ के स्मॉलर रिंग के अंदर, जो मतलब कॉमन एटम उसको छोड़ के स्मॉलर रिंग के अंदर कितने एटम हो, उसको डिनोट कर रहा है एक्स। वाई किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स अदर देन स्पायरो एटम इन क्या, लार्जर रिंग, लार्जर रिंग के अंदर कितने एटम है स्पायरो एटम को छोड़ के या कॉमन एटम को छोड़ के, उसको डिनोट कर रहा है वाई। तो हमने यहाँ बात की थी, देखना जी एक बार, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ स्पायरो हाइड्रोकार्बन में, तो ये कॉमन एटम हो गया, इसको छोड़ दूंगा, कितने कार्बन एटम है, 1, 2, 3, 4, कितने एटम है, 4 लिखूंगा। यहाँ कितने एटम है, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या लिखूंगा, 4 और क्या 5, क्या लिखूंगा, 4 और 5। देखो तो लिख रखा है स्पायरो 4, 5। अब टोटल कार्बन एटम कितने हैं, देखो जी 1, 2, 3, या टोटल एटम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है तो 10 के लिए क्या, डेक, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या, एन, डेकेन बोलेंगे उसको। ठीक है जी, ऐसे इस, देखो जी यहाँ लिख लिया हमने स्पायरो एक्स वाई एल्केन। एक्स क्या है, एक्स में मेरे पास, अगर मेरे पास स्पायरो है तो कितने एटम है वहाँ, 4 एटम है, स्पायरो एटम को इंक्लूड नहीं किया। वाई में कितने एटम है, 5 एटम, 5 लिखा है ना,
और किसको इंक्लूड नहीं किया, पर एटम को इंक्लूड नहीं किया। एल्केन, एल्केन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम इंक्लूडेड हेट्रो एटम्स आर 10 हैं। 10 के लिए क्या लगाऊंगा, डेकेन। 10 के लिए लगाऊंगा क्या, डेकेन। ध्यान रखना है हेट्रो एटम को भी काउंट करना है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। फिर फिक्स फोर हेट्रो एटम्स क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है भाई, यहाँ देखना एक बार आप लोग, ये रहा ऑक्सीजन। तो ये किस में जाएगा, प्रीफिक्स में जाएगा ना, तो ऑक्सा लगाऊंगा ना, ऑक्सीजन के लिए क्या लगाते हैं, ऑक्सा। तो प्रीफिक्स क्या आ गया इसके लिए, ऑक्सा। तो कितने पे है, देखो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हमेशा छोटी रिंग से करनी है, हर बड़ी रिंग की तरफ चलना है। आगे आके आगे जाके रूल आएगा ये, देखो जी नंबरिंग यहाँ से करूँगा, 1 2 3 4 5 6 पे है ना, तो उसके लिखूंगा 6 ऑक्सा 6 ऑक्सा। फिर स्पायरो लगाया, 4 5 डेकिंग, ये नेम हो जाएगा इसका, ठीक है जी। अब सारे इनकी इनको ही डिस्कस करेंगे हम। रूल नंबर सेकंड यही कहता है कि किस हिसाब से नंबरिंग करेंगे और कैसे नंबरिंग करेंगे। चलें जी रूल नंबर 2 पे, देखो लिख रखा है द नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द रिंग एटम ऑफ द स्मॉलर रिंग। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, छोटी रिंग से, छोटी रिंग के एटम से होगी, स्मॉलर रिंग से, इफ रिंग्स आर अनइक्वल साइज। रिंग क्या है, अनइक्वल साइज की, अटैच टू द स्पायरो एटम, किससे अटैच है, स्पायरो एटम से, एंड प्रोसीड फर्स्ट अराउंड द क्या, स्मॉलर रिंग। और किसको कवर करना है, सबसे पहले कवर करना है स्मॉलर रिंग को, ठीक है जी। एंड देन अराउंड द लार्जर रिंग थ्रू द स्पायरो एटम, कहां से होते हुए जाना है, स्पायरो एटम से। देखो जी आगे लिख रखा है द हेट्रो एटम्स आर असाइन द लोएस्ट पॉसिबल नंबर लोकेंट। क्या असाइन करना है उनको, लोएस्ट पॉसिबल नंबर लोकेंट असाइन करना है उनको। देखो जी आगे चल के देखते हैं इसमें, देखो जी ये कंपाउंड ले रखा है हमने, ये 5 मेंबर रिंग है, ये कितनी है, 4 मेंबर रिंग है, तो छोटी रिंग कौन सी है, ये है। और इस हिसाब से नंबरिंग करूंगा इसमें कि जो मेरे पास ये हेट्रो एटम है इसको लोएस्ट नंबरिंग मिले, किस हिसाब से करूंगा। तो देखो जी अगर मैं यहाँ से करता हूँ, देखना जी 1 2 3 4 5 5 पे आ रहा है, और यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5, तो कहीं से कर लो बात बराबर है। देखो जी एक नंबर इसको दूंगा, दो नंबर इसको दूंगा, तीन नंबर इसको दूंगा, चार नंबर इसको दूंगा, पांच नंबर इसको, 6 7 और क्या 8, कितना हो गया, 8, 8 हो गया है ना जी। अब प्रीफिक्स क्या है, हेट्रो एटम है प्रीफिक्स, और सल्फर के लिए क्या लगाते थे, थाया। कितने पे है, 5 पे है, कितने पे है, 5 पे। देखो जी मैं लिख रहा हूँ इसको 5 थाया प्रीफिक्स हो गया। फिर उसके बाद क्या लगाते थे, स्पायरो, फिर ब्रैकेट लगाते थे। देखो जी यहाँ कितने आइटम, 1 2 3 तीन हो गई, यहाँ कितने आइटम, 1 2 3 4 ये हो गए, 3 4 हो गया, कितने आइटम है टोटल, 8। 8 के लिए क्या रखा, ऑक्ट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या, ये इसका नाम हो जाएगा 5 स्पायरो 5 थाया स्पायरो 3 4 ऑक्टेन, ये आया समझ में, सिंपल सा है, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, अगर मेरे पास एक रिंग के अंदर दो डिफरेंट टाइप के हेट्रो एटम प्रेजेंट हो तो किसको लोएस्ट नंबर देंगे, तो जो हमने टेबल फर्स्ट पढ़ी थी, टेबल फर्स्ट में जो पहले आ रहा था उसको पहले नंबर देंगे, प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद दूसरी उसको जिसको बाद में आ रहा था। देखो जी लिख रखा है इफ देर इज चॉइस बिटवीन टू डिफरेंट हेट्रो एटम्स द प्रेफरेंस नंबरिंग इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस ऑफ द हेट्रो एटम इन क्या टेबल फर्स्ट, जो टेबल फर्स्ट में पहले आ रहा था उसको पहले नंबरिंग देंगे, उसके बाद जो बाद में आ रहा था उसको क्या देंगे, बाद में नंबरिंग देंगे। देखो जी छोटी बड़ी रिंग देखते हैं, छोटी रिंग बड़ी रिंग, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, छोटी रिंग से, छोटी रिंग है बड़ी रिंग है, नंबरिंग कहाँ से होगी, छोटी रिंग से। तो लोएस्ट नंबरिंग किसको मिलेगी, ऑक्सीजन को, क्योंकि पहले आता है। देखो एक नंबर, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ध्यान रखना छोटी रिंग को कवर करना है पहले, फिर बड़ी रिंग पे जाना है, ये नहीं है यहाँ से नंबरिंग करिए ऐसे चल दूंगा, यहाँ से नंबरिंग करिए ऐसे चल दूंगा ना, कवर करते हुए, ठीक है जी। देखो अब दोनों है मेरे पास प्रीफिक्स, थाया भी है ऑक्सा भी, पहले कौन आता है ऑक्सा, तो ऑक्सा के हिसाब से, अरे टेबल फर्स्ट में पहले कौन आता है, ऑक्सा आता है ना, तो ऑक्सा लिखूंगा ना, कितने पे ऑक्सा, 5 पे, क्या लिखूंगा, 5 ऑक्सा। कितने पे सल्फर, 9 पे 9, 9 थाया, 9 थाया के बाद क्या लगाऊंगा, स्पायरो। इस रिंग में कितने हैं, 3 एटम है, 3। इस रिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 3 5। टोटल आइटम कितने हैं, 9 9 के लिए क्या लगेंगे, नन, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या, इन, वन इन हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सिंपल सिंपल लिविंग आप लोग कर सकते हो, कर सकते हो जी। आगे चलते हैं रूल नंबर 3 पे, ये कह रहा है अगर मेरे पास साइक्लिक रिंग है और दोनों सेम साइज की हैं,
तो एक के अंदर तो हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम है, हेट्रोसाइक्लिक एटम है या हेट्रो एटम है, और एक के अंदर कार्बन एटम है, तो जो हेट्रो एटम वाली रिंग है वो डोमिनेंट हो जाएगी किस पे, कार्बन एटम वाली या कार्बोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं इनको, ठीक है जी। एक तो हेट्रोसाइक्लिक हो एक कार्बोसाइक्लिक हो, तो कार्बोसाइक्लिक डोमिनेंट रहेगी किस पे, नहीं हेट्रोसाइक्लिक डोमिनेंट रहेगी किस पे, कार्बोसाइक्लिक पे, ठीक है जी। देखो द हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज प्रिफर्ड ओवर द, ये कह रहा है ओवर द कार्बोसाइक्लिक रिंग ऑफ द सेम साइज इफ बोथ रिंग्स आर हेट्रोसाइक्लिक, द प्रेफरेंस इज गिवन टू द हेट्रोसाइक्लिक रिंग विद हेट्रो एटम अपीयरिंग इन द फर्स्ट टेबल। ये कह रहा है दोनों हेट्रोसाइक्लिक हैं, जो टेबल फर्स्ट में आता है उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद दूसरे को देंगे, जैसे ये रहा, इसको करेंगे पहले, इसको देखो लोएस्ट नंबरिंग किसको रिंग को, नंबरिंग कहाँ से होगी, इस रिंग से होगी, नंबरिंग कहाँ से होगी, इस रिंग से, और कहाँ से होगी, यहाँ से, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, कितने पे ऑक्सीजन, प्रीफिक्स में जाएगा दो पे, तो क्या लिखूंगा टू ऑक्सो, नहीं टू ऑक्सा, फिर क्या लगाऊंगा स्पायरो, ब्रैकेट लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट, कितने एटम है यहाँ, पांच, दोनों में पांच पांच है ना, टोटल एटम कितने, ग्यारह ग्यारह के लिए क्या लगाते हैं अनडेक, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या इन अनडेक इन हो जाए, अरे ध्यान है, एक कार्बन के लिए मैथ, दो के लिए प्रोप, तीन के लिए ब्यूट, चार के लिए क्या, चार के लिए क्या जूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हैक्स, ऐसे ही है ये, तो ग्यारह आइटम है, तो ग्यारह के लिए अनडेक, ठीक है जी, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या इन। अब देखो जी दोनों फाइव मेंबर रिंग है, एक में ऑक्सीजन एक में सल्फर, तो पहले टेबल फर्स्ट में पहले कौन आता है, ऑक्सीजन आता है फिर सल्फर आता है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, ऑक्सीजन वाले आइटम से, नंबरिंग कहाँ से होगी, ऑक्सीजन वाले आइटम से, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पाँच नंबर, इसको लोस्ट नंबरिंग देनी है, छः नंबर सात नंबर आठ नंबर नो हो गया। देखो जी ओगजा कहाँ है, एक पे, तो क्या लिखूंगा वन ओगजा, क्योंकि पहले यही आता है तो इसको लिखेंगे, थाया कितने पे है, थाया है सिक्स पे, क्या लिखूंगा सिक्स थाया हो गया, ठीक है जी। इसके बाद क्या लगाऊंगा स्पायरो, फिर क्या लगाऊंगा जी, फिर लगाऊंगा मैं इसमें स्क्वेयर ब्रैकेट, दोनों कितने आइटम है, चार चार हैं, फोर और फोर हो गया, ठीक है जी, फोर फोर हो गया, फिर इसके बाद मैं चलूंगा कहाँ, कितने आइटम टोटल, नो, नो के लिए नन, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या इन, नॉन इन हो जाएगा, ये इसका रूल नंबर थर्ड है। अगर मेरे पास सेम साइक्लिक रिंग है, एक कार्बोसाइक्लिक है एक हेट्रोसाइक्लिक है, तो हेट्रोसाइक्लिक डोमिनेंट रहेगी कार्बोसाइक्लिक पे, और अगर मेरे पास सेम रिंग है एक में, दोनों में डिफरेंट हेट्रो आइटम है, तो वो उसको वो रिंग वो डोमिनेंट रहेगी जिसमें टेबल फर्स्ट के अकॉर्डिंग पहले आ रहा है एटम, ठीक है जी। अब बात करते हैं रूल नंबर फोर, रूल नंबर फोर देखो जी, ये कह रहा है इफ द अनसेचुरेशन इज प्रेजेंट इन ए रिंग, अगर अनसेचुरेशन प्रेजेंट है रिंग में, द पैटर्न ऑफ नंबरिंग रिमेन्स द सेम, पैटर्न सेम रहेगा, बट द डायरेक्शन अराउंड द रिंग रिमेन्स इन ए सच ए वे दैट द मल्टीपल बॉन्ड इज गिवन एज ए लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट, हाउएवर हेट्रो एटम इज प्रेफर्ड ओवर द मल्टीपल बॉन्ड, अगर मेरे पास हेट्रो एटम भी है लोएस्ट नंबरिंग में और मेरे पास डबल बॉन्ड भी है मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो मैं हेट्रो एटम को प्रेफरेंस ज़्यादा दूंगा किससे, मल्टीपल बॉन्ड से। ये कह रहा है कि अनसेचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, तो कह रहा है पैटर्न तो सेम रहेगा लेकिन जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसको मैं लोएस्ट नंबरिंग दूंगा एज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो, और अगर पॉसिबल नहीं है तो हेट्रो एटम डोमिनेंट रहेगा किस पे, डबल बॉन्ड के ऊपर। देखो जी छोटी रिंग ये, बड़ी रिंग ये, नंबरिंग कहाँ से होगी, ऑक्सीजन से, एक दो तीन चार पाँच, पाँच तक हो गया। अब देखो जी छः में मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, छः में मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, तो मुझे डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबरिंग देनी है, तो छः सात आठ नौ और क्या दस, क्या दस हो गया। देखो जी ओगजा कहाँ है, एक पे, तो क्या लिखूँगा वन ओगजा, लिख लिया जी, ओगजा के बाद क्या लिखाऊंगा स्पायरो, क्या लगाऊंगा स्पायरो ब्रैकेट लगाऊंगा, इसमें कितने आइटम हैं चार, कितने हैं चार, इसमें कितने हैं पाँच, पाँच है। देखो जी कितने टोटल आइटम, कितने दस, दस के लिए क्या लगाऊँ डेक, हाँ जी डेक लगा दिया। अब देखो जी डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है सॉरी, तो क्या लगाऊँ इन लगाऊँ कितने पे, छः पे, तो डेक सिक्स और क्या इन, ये इसका नाम हो जाए, ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो जी इसकी बात करता हूँ, इसकी बात देखो जी, अब मेरे पास लोएस्ट रिंग कौन सी है, ये है, और ये कौन सी है, वैसी है, तो कर लोगे इसको आप लोग ट्राई करके देखना, सुमन स्ट्रिंग कौन सी है, ये है, लार्जर रिंग कौन सी है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, सुमन स्ट्रिंग से होगी, तो देखो जी मैं नंबरिंग करता हूँ, एक दो तीन चार,
चार हो गई। अब देखो पांच तो मैंने इसको दे दिया, अब छह पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है, छह पे हेट्रो एटम भी, तो किस पे जाएगी नंबरिंग? हेट्रो एटम पे। किस पे जाएगी? हेट्रो एटम। 6 7 8 9 10। देखो जी क्या लिखेंगे, सिक्स ऑक्सा स्पायरो, ब्रैकेट लगा दी। हाँ जी देखो जी कितने एटम है, चार पांच, चार पांच हो जाएगा टोटल, कितने 10 10 के लिए क्या डेक, है ना जी। डेक कितने पे है डबल बॉन्ड? नौ पे, तो नाइन और क्या इन, नाइन और क्या इन कर लोगे जी इसको। देखो जी लास्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 5 क्या है, कह रहा है देखो, व्हेन वन और बोथ ऑफ द कंपोनेंट ऑफ स्पायरो हेट्रोसाइक्लिक आर फ्यूज पॉलीसाइक्लिक सिस्टम, किसको फ्यूज कर रहे हैं? पॉलीसाइक्लिक सिस्टम को। द नेम ऑफ द बोथ द कंपोनेंट आर साइटेड आफ्टर प्रीफिक्स, किसके बाद लिखेंगे? प्रीफिक्स के बाद लिखेंगे, और स्पायरो इन क्या स्क्वेयर ब्रैकेट, इन क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। स्पायरो को कहाँ लिखेंगे? स्क्वेयर ब्रैकेट में, और कहाँ लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे स्पायरो के बाद, सॉरी। एंड सेपरेटेड बाय द नंबर ऑफ स्पायरो एटम, और किसको सेपरेट करेंगे कि कितने मेरे पास स्पायरो एटम है। द कंपोनेंट इन सच स्पायरो हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम रिटेन देयर नंबरिंग, क्या रिटेन करेंगे? नंबरिंग रिटेन करेंगे, बट द सेकेंड कंपोनेंट इज नंबर्ड एज प्राइम्ड नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या? 1-2-3-4-5-, ठीक है जी। तो देखो अगर मुझे नंबरिंग करनी है तो मुझे नंबरिंग करूंगा, तो मैं देखो जी स्पायरो कंपाउंड है ये, यहाँ है मेरे पास स्पायरो, यहाँ है ना, तो देखो जी इसकी नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5, हो गया जी नंबरिंग इसकी। हाँ जी इसकी नंबरिंग करूंगा तो क्या लिखूंगा, 1-2-, और क्या 3-, ऐसे चलती रहेगी। तो सबसे पहले क्या लिखाएंगे? स्पायरो लिखना है सबसे पहले, तो इसमें लिख रहा क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्पायरो, स्क्वेयर ब्रैकेट लगाएंगे। देखो जी अब देखना आप लोग, ये है डबल बॉन्ड, देखो ये इससे जुड़ा हुआ है, इसमें साइक्लिक रिंग है, और पांच है तो पेंटा डाइन है ना, डाइन का मतलब क्या, एक इनियरी एक इनियरी डाइन है, और कहाँ एक टू पे है और एक कहाँ है फोर पे है, तो क्या लिखूंगा देखो इसको, साइक्लो, साइक्लो हो गया, उसके बाद क्या पेंटा, पेंटा हो गया, 2-4 लगा दिया, दो पे है और किस पे है, चार पे है, डाइन, डाइन हो गया, ठीक है जी। आगे देखो, आगे देखो फ्यूज किससे है, 1 से और 3 डैश से, फ्यूज किससे है, 1 से और 3 डैश से, और थ्री पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना थ्री पे, थ्री हाइड्रोजन और क्या इंडोल, क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है पूरा इंडोल, क्या है इंडोल, ये आएगा जी ठीक है जी। तो ये इसका नाम हो जाएगा, ये आप लोग मुझे ट्राई करके बताओगे इसका नाम क्या होगा, ठीक है जी। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट कंपाउंड मिलेंगे, ब्रिज हेड कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी नेमिंग क्या होती है, लास्ट टॉपिक होगा हमारा नोमेनक्लेचर का, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है जी। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।